लो जी भाई लोग, एक सिनेरियो आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। इमेजिन करना अपने दिमाग में, बेशक आंखें बंद कर लो, ठीक है। मैं कोई इतना खूबसूरत तो हूँ नहीं कि तुम मुझे देखते रहो और तुम पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाओ। तो ये सिनेरियो इमेजिन करो आंखें बंद करके। एक रेस ट्रैक है, एंड के ऊपर WTC का फाइनल है, ठीक है। टीम्स भाग रही हैं। आज से दो हफ्ते पहले पीछे चले जाओ तो आपको ना उस ट्रैक के ऊपर इंडियन टीम सबसे ज़्यादा, मतलब रोहित भाग रहा है WTC के फाइनल की तरफ है, भाग रहा है। पीछे मुड़ के देखता है, दूर कहीं उसको ना एक कोई वाइट यूनिफॉर्म में भागता हुआ, जिसे कहते हैं कोई प्लेयर, नजर आ रहा है। वो ऋषभ से पूछता है, ए छोटू, ये पीछे कौन भाग रहा है बे? उसने कहा, अरे पैट कमिंस है भैया, वो भाग रहा है हमारे पीछे। अरे चल ठीक है, हमारे और तो कोई नहीं है। हाँ, नहीं कोई नहीं, वो भाग रही है। दो हफ्ते गुजरे, पाकिस्तान इंग्लैंड से 2-1 से सीरीज जीतता है, न्यूजीलैंड से इंडिया 2-0 से सीरीज हार गया। मतलब एक तीसरा टेस्ट मैच रहता है, उस पर अभी डिपेंड करता है, लेकिन हम 2-0 पर ही रहते हैं। अब क्या सिनेरियो है, ठीक है। अब सिनेरियो ये है, बाकी टीमों को छोड़ दो, रोहित भाग रहा है ना, तो रोहित ने ना यूं करके देखा तो एक लंबा सा बंदा ना रोहित के साथ भाग रहा है। रोहित ने गौर से देखा, रंग भी अपनी तरह का VTC है, गंदमी गोरा चिट्टा तो है नहीं, गोरा नहीं है। अब रोहित उसको पहचानने की कोशिश कर रहा है। रोहित ने, अबे तू कौन है बे? अब इसने रोहित ने ना ऋषभ पंत से भी नहीं पूछा, रोहित इतना हैरान, अबे तू कौन है बे? उसने कहा, मैं शान मसूद हूँ रोहित भाई, क्या हो गया, पाकिस्तान टीम का कैप्टन, तू किधर से आ गया भाई इस रेस में? उसने कहा, बस हम आ गए, हम आ गए। और रोहित शर्मा क्या है, उसने पूछा शान मसूद ने, अरे रोहित भाई आपने मुझे देखा नहीं पाकिस्तान की टीम की कप्तानी करते हुए? रोहित उधर आगे से कहते, अबे इधर अपने वांदे लगे पड़े हुए हैं, तुझे कहाँ से देखो भैया, हैं ये छोटा गोंगलू अपने साथ भगा रहा हूँ मैं, चल बे तेज भाग कुछ करें। भैया पाकिस्तान की टीम आउट ऑफ नो वेयर WTC के फाइनल की रेस में आ गई है, अंदाजा करो यार। ये टेस्ट क्रिकेट, आई लव टेस्ट क्रिकेट इसी रीजन की वजह से। और इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल छपा है, ठीक है, कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सिनेरियो क्या हो सकता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए। अब सुनो जरा, अब जारी बात है पाकिस्तान ओन पर तो नहीं, बाकी सारे भी आगे जीत गया तब भी नहीं, तो ओन पर नहीं, पाकिस्तान के लिए वो जिसे कहते हैं ना डिपेंडेंट रिजल्ट्स, वो कुछ इस तरह है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की सीरीज 2-1 से, न्यूजीलैंड और इंडिया की सीरीज वो 2-1 से ख़त्म हो, यानी कि न्यूजीलैंड दो मैचेस जीत गया, तीसरा हर हाल में इंडिया जीते, ठीक है, एक चीज़। फिर साउथ अफ्रीका बांग्लादेश के अगेंस्ट जो टेस्ट सीरीज़ है वो 2-0 से मारे बांग्लादेश को, ठीक हो गया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इंडिया जीते ऑस्ट्रेलिया से 3-2 से, ठीक हो गया। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की सीरीज में न्यूजीलैंड दो मैचेस जीते, इंग्लैंड एक मैच जीते, न्यूजीलैंड इंग्लैंड की सीरीज न्यूजीलैंड जीते 2-1 से अगेंस्ट इंग्लैंड। उसके बाद साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की सीरीज होनी है, वो साउथ अफ्रीका जीते 1-0 से। उसके बाद पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की जो सीरीज होनी है, पाकिस्तान दोनों टेस्ट मैचेस जीते साउथ अफ्रीका से, ये साउथ अफ्रीका में सीरीज होनी है बाय द वे। अच्छा, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को 2-0 से मारे, और लास्ट बट नॉट लीस्ट श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया, वो 1-0 से श्रीलंका जीते। तो फिर उसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का, जिसे कहते हैं WTC में फाइनल के लिए, सीट पक्की हो सकती है। बहुत लंबा रूट है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन चूंकि क्रिकेट एक बहुत फ़नी गेम है, ऑब्वियसली ये एक मोटा मोटा सा उन्होंने हिसाब किताब लगाया है, जो जाहिर सी बात है इसमें ऊपर नीचे भी चीज़ें हो सकती हैं, देर इज़ एवरी पॉसिबल चांस, लेकिन फ़िलहाल जो कैलकुलेशन सामने आई है वो ये है। और मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान, जिसे कोई रेट नहीं कर रहा था WTC के फाइनल के लिए, वो एक सीरीज़ जीतता है और वो एकदम से आ जाता है WTC के उसके क्वालिफाई करने के लिए। मतलब अंदाज़ा करो क्या बात है। और ये सिनेरियो, अब इसमें किस हद तक ये जाते हैं ये अब डिपेंड करता है, आई रियली डोंट नो कि ये किस हिसाब किताब में ये पाकिस्तान ये सारे, क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है ना, फलाना फलाने से जीते, फलाना फलाने से हारे। पाकिस्तान की अपनी टेस्ट सीरीज़ साउथ अफ्रीका वाली तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि साउथ अफ्रीका पाकिस्तान को कभी भी जिसे कहते हैं स्पिन विकेट नहीं बनाकर देने वाला, देर इज़ एब्सोल्युटली नो चांस कि वो आपको स्पिन विकेट बनाकर देगा।
तो मैं अभी वही देख रहा था कि कैसे पाकिस्तान के लिए कोई चीज़ जो है वो इजी हो सकती है, और वो फिर अब आई रियली डोंट नो कि ये कैसे होगा। लेकिन अब चूंकि एक सिनेरियो, और ये जिसे कहते हैं विजडन वालों की तरफ से ये सामने आई है खबर, तो कि इस पर ना मुझे कोई थोड़ा सा डाउट है। ये विजडन वालों ने ना मुझे लगता है कोई क्लिक बेट भी मारी है इसमें, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ मैचेस ऐसे हैं कि जो मुझे समझ नहीं आ रहे कि ये सीरीज़ कौन सी है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की डब्ल्यू टी सी के फाइनल से पहले उनका मेरा ख्याल है ये लास्ट सीरीज़ है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ये श्रीलंका वाली कौन सी है भाई, ये नहीं मुझे समझ में आ रहा। ये बाकी तो मेरा ख्याल है कि शायद मैंने देखी हुई हैं, वो होनी ही हैं, लेकिन ये वाली मुझे, ये श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया वाली नहीं समझ में आ रही कि ये इन्होंने कहाँ से बीच में डाली है। बट इन केस चलो फॉर द सेफ साइड इसको खली वली कराओ पाकिस्तान के लिए, अगर ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, जैसे टीम इंडिया का भी तो फाइनल में सीट जो पहले एक लिहाज से पक्की थी अब वो डूबियस हो गई है। अब 6 में से 4 टेस्ट मैचेस जीतने हैं टीम इंडिया को अगले, न्यूजीलैंड से हर हाल में जीतना है, न्यूजीलैंड का तीसरा टेस्ट मैच हर हाल में टीम इंडिया को जीतना है। जीतेंगे तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 3-2 से जीतेंगे, और फिर ये 4 टेस्ट मैचेस जीतकर फाइनल में जाएंगे। न्यूजीलैंड से तीसरा टेस्ट मैच भी हार जाते हैं तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के 5 टेस्ट मैचेस जीतने पड़ेंगे, और प्लस बाकी डिपेंडेंसीज दूसरी टीम्स के ऊपर वो अलग से। तो पाकिस्तान का भी डेफिनेटली मेरा ख्याल है ये विजडन वालों ने थोड़ा बहुत तो ठीक ही अंदाज़ा लगाया होगा, बीच में इन्होंने ना मुझे लगता है कि बीच में इन्होंने कोई खच मारी होगी। ये श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया वाली तो खच है, श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया ने कब खेलना है बे, अबे क्या सस्ता नशा करके क्या माल फूक कर वीडियोस बनाना शुरू हो जाते हो, बल्कि ये बनाना शुरू हो जाते हो, ये सिनेरियोस घर में ही शुरू हो जाते हो क्या है। एक भाई अपनी पेंसिल कॉपी लेके बैठ जाता है, दूसरा अपनी, तीसरा अपनी, एक पेंसिल कॉपी पापा को भी दे दो जिसमें वो तुम लोगों के कारनामे लिखा करेंगे, ज़िंदगी में क्या उखाड़ा है तुम लोगों ने। तो खैर चलो देखते हैं, अभी तो डब्ल्यू टी सी चल रहा है, अभी न्यूजीलैंड इंडिया का तीसरा टेस्ट मैच रहता है, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका सीरीज़, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ सीरीज़, ये बाकियों की सीरीज़ जो है वो, तो इस हिसाब में देखते हैं कि फिर ये आगे क्या बनता है, ये सिनेरियो किस हिसाब से ये सिनेरियो आगे जाता है। ये मुझे शक पड़ता है ये इन्होंने बेवकूफ़ों ने कहीं ये जो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया वाला लिखा हुआ है ये बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ वाला ना हो, क्योंकि बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ की अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक टेस्ट सीरीज़ है। बट खैर यार लॉन्ग शॉट है, लंबा रूट है, तो देख लेते हैं क्या बनता है, जैसे जैसे अपडेट्स होंगी आपके सामने रख देंगे उसको, टेंशन क्या है। अब वो WTC के फाइनल में ना भी गए तो क्या है, 2021 के बाद टेस्ट सीरीज़ जीते हैं, हम खुश हैं, हम राजी हैं, WTC का फाइनल खेलते हैं ठीक है, नहीं खेलते तो भी ठीक है। हमारा मेरा ख्याल है 2024 का और 2025 का WTC के फाइनल तक हमारा हो गया, वैसे सीरियसली बताऊं है नहीं ना, 2021 के बाद से तो जीते ही नहीं थे, खुद सोचो अब 2021 के बाद से एक टीम टेस्ट सीरीज जीती नहीं है, 11-12 टेस्ट घर पर हार कर बैठी भी है, 7-8 हारे हैं, 4-5 ड्रॉ हुए हैं, तो जीते तो नहीं है ना। तो उस टीम के लिए इंग्लैंड के अगेंस्ट जो कि मार धाड़ से भरपूर क्रिकेट खेलते हैं उसके अगेंस्ट 2-0 2-1 से सीरीज जीतना, वो भी कि पहला टेस्ट मैच कुत्तों की तरह हारे हम, उसके बाद 2-1 से कम बैक करके टेस्ट सीरीज जीतना, हमें 1.5 साल आराम से इसकी खुशी में हम गुजार सकते हैं। तुम्हें नहीं पता, पंछी बनूं बन के उड़ूं मस्त गगन में, ये वाला सिनेरियो है हमारा। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, पीस आउट।